तो यहाँ पे बात करेंगे ETT लिमिटेड के बारे में। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा स्टॉक के बारे में, फिलहाल जो वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेड कर रहा है वो 3.739 मिलियन का है, और जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है आज तक आपको इतना वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा। मैं स्टॉक को जूम आउट करता हूँ, बाद में हम लेवल्स की बात करेंगे कि लेवल्स कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि लेवल्स सबके निकलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी इतना वॉल्यूम स्टॉक ने नहीं जनरेट किया जितना अभी कर रहा है। तो ये चीज़ कहना गलत नहीं रहेगा कि यहाँ पर अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, स्ट्राइक शेयर में बाइंग करनी शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर दो तीन लेवल्स और भी निकलेंगे, यहाँ से अगर देखें तो एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, बट ये अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि स्टॉक जो है इसे ब्रेक करके नीचे जा चुका है और नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम जब यहाँ पर जूम करें तो आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर शेप में स्टॉक जो है वो हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और अब ये उसे ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। तो यहाँ से बाइंग करके अगर हम चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हमें बनते हुए नज़र आएंगे। लास्ट टाइम भी जो हमारी वीडियो थी उसमें जब हमने बाइंग करने की एडवाइस दी थी तो तकरीबन तकरीबन 16-17 रुपये के अराउंड दी थी कि यहाँ से बाइंग करके चल सकते हैं, और अगर स्टॉक 15 रुपये से नीचे आएगा तो हम एग्जिट करेंगे। तो लकीली वो टारगेट हमारे अचीव हुए, और उसके बाद हमने कुछ क्वांटिटी थी जो यहाँ पर सेल कर दी थी 25 रुपये के अराउंड, और कुछ क्वांटिटी को चलने दिया। तो अभी भी हम एवरेज नहीं कर रहे क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक भागा हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक हल्का फुल्का फॉल दिखाई देगा, और जब ये वापस से नीचे आएगा सपोर्ट लेगा तो हम इस लेवल के अराउंड बाइंग करने की एडवाइस देंगे। और यहाँ से अगर नीचे स्टॉक आता है तो मेजोरिटी में चांसेस है कि स्टॉक जो है 30 रुपये तक आ सकता है। तो 4 रुपये नीचे तक हम एक एवरेज के लिए हमें टाइम दिया जाएगा। अभी हम यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो दो तीन चीज़ें तो क्लियर हैं कि कोई बड़ी एंटिटी यहाँ पर घुस चुकी है शेयर में, और लगातार आपको अपर सर्किट भी दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉक की अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल भी डिसेंट हैं प्राइस के हिसाब से, और कंपनी टेक्निकल चार्ट पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखा रही है। ये जो नंबर्स हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इससे पहले भी स्टॉक जो है यहीं से सपोर्ट लेके जा चुका है। और फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए।